अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ में भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख साहब हैं। इन्होंने आज अपने दिन भर के स्केड्यूल में भिवंडी के जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, एसटी डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे जाके वहाँ के अधिकारियों से बात की। तो हम उनसे बात करेंगे कि क्या चर्चा हुई और क्या उसका आउटपुट आया। तो रईस भाई, आप ज़रा बताइए कि जो आज आपकी मीटिंग थी स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारियों से, तो उसमें क्या आपका डिस्कशन हुआ और क्या उसका आउटकम आया? देखिए, इससे पहले हमारी मीटिंग हुई थी अनिल परब साहब से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से। तो हमारे तीन मुद्दे हैं। एक, शॉर्ट टर्म में जो स्ट्रक्चर एकदम ख़राब हो गया है, डिलैपिडेटेड हो गया है, जिसको C1 डिक्लेयर कर दिए, शॉर्ट टर्म में हम वहाँ पर क्या रिपेयर कर सकते हैं। और मेरी ऐसी मांगनी है कि दो चीज़ें, ख़ास तौर से टॉयलेट और पानी जी, वो सुविधा होनी चाहिए। तो आज उस पर यह तय हुआ कि 12 लाख का इमीडिएट रिपेयर चालू करते हैं, मतलब इमीडिएट मतलब अभी फ़ौरन जी। और ये रिपेयर 50 लाख तक जो बेसिक हो सकता है उसके लिए हमने प्लानिंग की है, 12 लाख अभी और बाकी का पैसा जो है और एससी देगी। टॉयलेट पे नया कॉन्ट्रैक्टर लगा के उसको पूरा रिपेयर करके नए से बनाने के लिए आते हुए पानी की सुविधा हम लोग अपनी तरफ से करने वाले हैं। दूसरा हो गया कि ट्रैफिक रूट जी, ट्रैफिक के आज पहले तो चीफ इंजीनियर से लेके ट्रैफिक कंट्रोलर से सब आए थे। तो भिवंडी शहर के एतराफ में जो तहसील है वहाँ पे अलग अलग लॉजिस्टिक पार्क में लोग जाते हैं, तो आज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। तो उसकी पूरी स्टडी करके बस रूट्स चालू करने के लिए कहा गया। आज नरीमन पॉइंट के लिए बस रूट चालू हुआ, आज मुमरा के लिए और एडिशनल बसेस हमने चालू करवाई। लोगों की जितनी डिमांड थी, जहाँ जहाँ की डिमांड थी, सब हमने तो आज फुलफिल की। एसटी ट्रांसपोर्ट के नए रूट्स। मैं आवाम से भी अपील करता हूँ कि अगर आपको कोई फीडबैक इस चीज़ के बारे में देना है तो मेरे ट्विटर पे दीजिए। और इसका परमानेंट सलूशन है कि इसको रीडेवलप किया जाए, नए सिरे से बनाया जाए। दीवार पूरी इमारत तो मेरे ख्याल से जी, मेरी उम्र से ज़्यादा तो इमारत की उम्र है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कैंटीन अच्छा नहीं है, कैंटीन को कैसे सुधारें, ये सब चीज़ों को लेके चले हैं। कोविड अब ख़त्म हो गया तो ये बुनियादी सहूलतें जिसको कहते हैं उस पर हम लोग का ध्यान है और उस पर काम करना शुरू किया हमने जी। तो इसमें नए बसेस की जो आप बात करेंगे, जो नए रूट्स आएंगे, तो इसमें और कोई नए रूट्स आपने उनको सजेस्ट किए हैं क्या? मेरे पास जो फीडबैक था मेनली मुमरा के लिए था, मेरे पास जो फीडबैक था वो वेस्टर्न मुंबई के लिए था, मेरे पास फीडबैक नरीमन पॉइंट के लिए था। तीनों जगह पे हमने रूट चालू करा दिए, चालू है अभी। उसमें फ्रीक्वेंसी की कोई अगर शिकायत है तो भी बता सकते हैं। हमारे साथ जो लोग थे उन्होंने कहा मुमरा के लिए एडिशनल बस चाहिए, तो एडिशनल बस भी चालू कर दी। रईस भाई, ये तो हो गया कि जो स्ट्रक्चर है और जो रूट्स है, लेकिन जो बस इटसेल्फ जो व्हीकल है, तो उसकी क्वालिटी के ऊपर कुछ बात हुई है क्या? क्योंकि उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, उसकी अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट देखेंगे या तो फिर जो उसकी कंडीशन है, तो उसके ऊपर कुछ चर्चा हुई। देखिए, 45 बसेज ऐसी हैं कि जिनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, लेकिन उनको चलाया जा रहा है। एसटी की पूरी हालत महाराष्ट्र में ख़राब है, हम सब जानते हैं। लेकिन जो नए बसेज आएंगे उसमें भिवंडी का सबसे बड़ा शेयर होगा, ये मैंने इंश्योर किया है जी। मिनिस्टर लेवल पे, चीफ इंजीनियर के लेवल पे, एमडी के लेवल पे और अभी स्थानिक डीसी के लेवल पे सबको मैंने नज़र रखी है कि अगर बसेस आई जो आने वाली है उनको इमीडिएटली भिवंडी का शेयर उसमें अच्छा खासा होना चाहिए। तो उसकी तैयारी की है, प्लस मेंटेनेंस पे ध्यान दिया। अभी आपके पास भी कोई फीडबैक है तो आप लोग दीजिए। दूसरा ये मैंने उनको सजेस्ट किया कि एक ट्रैफिक स्टडी कीजिए, आपके तहसील में कहाँ कहाँ हम रूट चालू कर सकते हैं। और अगर हम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर या प्राइवेट बसेज, जैसे बॉम्बे में भी आप देखेंगे BMC ने कर दिया है, कॉन्ट्रैक्टर आने के बाद सस्ती भी हो गई BSG, बसेज भी अच्छी हो गई, वेटलीस है, हमारे पे कोई लाइबिलिटी भी नहीं है, वो कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। तो उस धरती पे या कुछ हो सकता है उस बैकग्राउंड पे, तो उसके लिए स्टडी करने का है। अभी आपकी जो आगे प्रपोज्ड मीटिंग है, तो भिवंडी के म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ में आपकी मीटिंग है, तो उनके साथ में आपके क्या डिस्कशन है, क्या प्लान्स हैं, बताएंगे थोड़ा सा? उसमें तो बहुत विषय है, करीब 20 विषय है जी। सबसे पहले रिंग रोड है, उसके बाद जब्बर कंपाउंड से जो शांतिनगर का जो रोड है 100 फीट का, वो है। ऐसे बुनियादी जितने भी है, एजुकेशन पे है, STP पे है, और जो आवाम से ऐसे मुद्दे मेरे विजिट्स में आएंगे जिसमें कमिश्नर और MLA को बैठना पड़ चाहिए जी, वो फिल्टर करके पॉलिसी के इश्यूज वो लिए हैं हमने। आज कब्रिस्तान की ज़रूरत है, DP से मैं एक साल से बात कर रहा हूँ, वो माहिती नहीं देते। आज हमने RTO से मीटिंग की, उनको जगह की ज़रूरत है, उनसे मतलब ऐसे 20 इश्यूज लिस्ट आउट किए हैं, आयुक्त को पहले से दिए हैं, ताकि ये अभी कोविड के बाद का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाए, काम करने लगे हम लोग।
रईस भाई, एक थोड़ा आखिरी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि लोग काफ़ी आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल था तो वो पहले से वैसा ही है, अभी तक के मतलब कुछ हुआ नहीं, सिर्फ जो जो MLA है उन्होंने खाली बस बोला है, कुछ हुआ है नहीं काम उसके अंदर। फिर साथ ही जो बाकी के कुछ रोड्स के ऊपर जो काम हो रहा था उसके ऊपर भी कॉरपोरेटरों ने काफ़ी जो है किए, तो हम चाहते हैं कि एक थोड़ा सा आप अपनी तरफ से मैसेज दें कि ये वाकई में काम हो रहा है, कि आप उसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे उन आरोपों को। फिर उसमें मैं किसी के आरोपों का जवाब कभी देता नहीं जी, आपको भी दूंगा नहीं जी। पब्लिक आवाम मुझे जज करे, हाँ, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। IGM में क्या फ़र्क है आप जाके देखिए, और मैं ही नहीं कहता IGM महाराष्ट्र का सबसे अच्छा हॉस्पिटल हो गया, लेकिन हमारी कोशिश जारी है जी। 4 वेंटिलेटर से 40 हो गए, सुपरिटेंडेंट चेंज हो गए, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करके IGM को एक अच्छा अस्पताल बनाने की हम पूरी कोशिश करें। रास्तों के काम हो रहे हैं, आवाम देख रही है, मुझे किसी का जवाब देने की ज़रूरत नहीं, मैं आवाम को जवाब देता हूँ। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को मेरे को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे तो लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, और बोलने वालों की भी कोई लेवल देखना चाहिए आपको मुझसे पूछने से पहले, तो इन चीज़ों का मैं जवाब नहीं देता जी। बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई, उनसे बात करने के लिए, थैंक यू।